कनाडा में जो ट्रैफिक साइंस चलते हैं और जो इनके टेस्ट में पूछे जाते हैं वो सवाल जवाब देते हैं। पहला है कि ये साहब इन्होंने अपना बायां हाथ ऊपर की तरफ बाहर निकाला है खिड़की से और ऊपर की तरफ रखा है, इसका मतलब क्या है? क्या ये लेफ्ट जा रहे हैं, क्या ये राइट जा रहे हैं? अगर ये नीचे की तरफ रखते तो इसका मतलब ये स्लो हो रहे थे या स्टॉप हो रहे थे। यू मे पास में ये गलत है तो इसका मतलब कि ये राइट जा रहे हैं, इनको राइट जाना है। ऑफ अ टेम्पररी स्टॉप अहेड। अब देखिए इस साइन का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको एक पॉलीगन में रेड रेड साइन है, साथ में आपको एरो दिया हुआ है, तो आगे की तरफ ये है, इसका मतलब ये है आगे की तरफ ये है, और ये क्या होता है? ये है आपका स्टॉप साइन। रेड मतलब स्टॉप साइन, तो ये बता रहा है कि आगे की तरफ स्टॉप साइन है। इस क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब है जब भी आप इस तरीके का साइन देखें समझ जाए कि ये रेलवे की बात हो रही है, तो ये रेलवे क्रॉसिंग है। ये यू बना हुआ है, उल्टा यू यानी कि यू टर्न, और ये इसके ऊपर जो साइन है वो प्रोहिबिटेड साइन या प्रोहिबिटरी साइन होता है। ऐसे मैं रेगुलेटरी साइन भी बताऊंगा आपको, ग्रीन कलर का होता है राउंड, ऐसे रेड कलर का जो राउंड है उसमें क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका प्रोहिबिटरी साउंड है, यानी कि यू टर्न नहीं लेना है आपको, तो नो यू टर्न, इसका डी है आंसर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ये राइट ऑफ वे, यानी कि आपको जिसका भी राइट ऑफ वे है वो देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको राइट ऑफ वे देना है, जिसका भी राइट पहले बनेगा उसको राइट ऑफ वे देना है, फिर आपका नंबर आएगा। ये भी एक प्रोहिबिटरी साइन है जिसमें लेफ्ट एरो है, इसका मतलब लेफ्ट पे जाना, और इसका मतलब होता है रेड, जो रेड यू करके क्रॉस होगा इसका मतलब मना है, तो ये लेफ्ट मना है इसका मतलब। इसमें कौन सा उत्तर होने वाला है कि नो लेफ्ट टर्न परमिटेड। यहाँ पर एक सड़क दिखाई गई है, ये पाथ दिखाया गया है जो कि थोड़ा सा घुमावदार है, कर्व्ड है, तो इसे हम कह ये वाइंडिंग शेप में है, तो ये वाइंडिंग रोड है आपका, तो बी है इसका सही उत्तर। यहाँ पर देखिएगा कि एक ब्लैक पॉलीगन है, यहाँ दो एरो है और इसको प्रोहिबिशन कहा गया है। प्रोहिबिटरी मतलब देखिए नो तो आएगा ही आएगा, सवाल के उत्तर में नो तो आएगा ही आएगा, तो ये तीन है इसमें नो 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 वाले। अब कौन सा है इसमें, इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक आपको रोकना नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि दिस साइन मीन्स नो स्टॉपिंग, यहाँ पर कोई स्टॉप नहीं करना है। एक सवाल इसके इसमें ये भी आता है कि स्टैंड नहीं करना है, तो स्टॉप्स और स्टैंड में बड़ा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि आपको स्टॉप करना ही नहीं है, इस जगह पे आप रोक नहीं सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर आपको जहाँ दिखाई दे अलग, ये ट्रैफिक सिग्नल साइन है, तो इसका मतलब है कि आपका आगे ट्रैफिक सिग्नल आने वाला है, ट्रैफिक सिग्नल अहेड। अब आप देखें ये साहब गाड़ी में बैठे बैठे हुए हैं और यूं करके ये घूम रहे हैं, कहने का मतलब थोड़ा सा स्लिप टाइप हो रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे भी आता है इसके ऊपर इस तरीके से बूंदे बनी होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बरसात हो या पानी हो, अगर बरसात की जरूरत नहीं है पानी, अगर पानी भी हो तो ये स्लिपरी रोड है, तो इसका उत्तर है सी। जब इस तरीके का कभी भी साइन देखें, एक इसमें लड़का है एक लड़की बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा ये स्कूल से रिलेटेड है, तो जो ये सी है ये स्कूल जोन बता रहा है, बाकी सब अलग अलग बता रहे हैं, जैसे प्लेग्राउंड बता रहा है बाकी और अलग बता रहे हैं, इसका मतलब आपका स्कूल है, तो स्कूल जोन साइन है कि ये एरिया यहाँ पर स्कूल है, बड़े कॉशियसली और सेफली चलना है आपको। यहाँ पर आप देखिए यहाँ की विड्थ देखिए इधर की और यहाँ की विड्थ देखिए छोटी हो गई, यानी कि बड़े से छोटी हो गई, इसका मतलब जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जो पेमेंट है, ये जो पेमेंट है ये छोटा हो रहा है, तो पेमेंट नैरोज, इसका उत्तर है पेमेंट नैरोज, डी होगा इसका उत्तर। यहाँ पर क्या है, आप सीधा जा रहे हैं साथ में एक लाइन बनी हुई है, यानी कि आप सीधा जा रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन या इंटरसेक्शन आने वाला है, तो इसका सीधा मतलब है कि इंटरसेक्शन अहेड, आगे जाके इंटरसेक्शन आएगा। यहाँ पर क्या है, जब आप गाड़ियों से चलते हैं नॉर्मली आपके बीच में ट्रैफिक आइलैंड या फिर एक चबूतरा टाइप होता है, और आप इस तरफ मतलब लोग यहाँ जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं, इस तरीके से चल रास्ते
रास्ता डिवाइडेड होता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए साहब ये पीछे दिया हुआ है, इसका मतलब ये ख़त्म हो गया है, अब आप अपना रास्ता देखिए। कहने का मतलब ये है कि ये डिवाइडेड रोड जो था अब ये ख़त्म हो गया है, अब आपको राइट में रहना है। यहाँ पर दो गाड़ियाँ बनी हैं और साइड बाय साइड है, और यहाँ पर आपका जो साइन है वो प्रोहिबिटरी साइन है, यानी कि आप जब गाड़ी आपकी यहाँ है और इसको पास गाड़ी को करना है तो आपको यहाँ लाना पड़ेगा, ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब पासिंग इज़ नॉट अलाउड, डी है इसका उत्तर। ये आपका जैसे मैंने बताया था, ये जैसे इस कारों के ऊपर जो रेड सर्कल है इसको हम कहते हैं प्रोहिबिटरी साइन, ये आपका परमिसिव है, जिसके जो भी इसके अंदर होगा वो परमिट होगा, यानी कि ये गोला उस जिस भी चीज़ के ऊपर होगा तो ये परमिसिव साइन है आपका, डी है इसका उत्तर। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि आपको नहीं आना है, रेड है, रेड से रेड का मतलब नहीं, नहीं आना मतलब एंटर नहीं करना है। पास की बात अलग है, पास मतलब होता है एक गाड़ी यहाँ पर है तो आप इस गाड़ी के पीछे हैं, आपको इस आप इससे पास होके आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ गाड़ी अपनी ले आएंगे। एंटर का मतलब अलग है, आपको अगर ये साइन दिख गया और आप यहाँ पर हैं तो आपको तो एंटर ही नहीं करना है। ये देखिए एक साहब हैं जो शॉवल से कुछ काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ काम चल रहा है, तो ये आपको वार्न कर रहा है कि कुछ काम आगे चल रहा है, तो डी है इसका अंतर, इसका आंसर। दिस साइन वार्न्स ऑफ रोड वर्क अहेड। अब देखें यहाँ पर तीन सिग्नल में रेड दिया हुआ है, प्रोहिबिटरी साइन है और एरो राइट में दिया है। कहने का मतलब कि रेड पे आपको दाएं नहीं मुड़ना है, रेड पे रेड अगर हो तो दाएं का साइन ये है, उसके ऊपर रेड सर्कल है यानी कि प्रोहिबिटेड है, तो आपको रेड पे दाएं नहीं मुड़ना है। कहने का मतलब नो राइट टर्न्स ऑन रेड लाइट, रेड लाइट है तो दाएं नहीं मुड़ना है आपको। अब देखिए ये एक वे है, ये दो वे है, तो यहाँ की गाड़ी इधर जा सकती है, यहाँ की गाड़ी इधर जा सकती है, इसका मतलब ये टू वे है, ये आपका सेंटर लेन है टर्निंग के लिए, ये आपका इस जगह अगर सेंटर लेन है मतलब यहाँ भी लेन होगा, यहाँ भी लेन होगी, यहाँ भी लेन होगी, यहाँ भी लेन होगी, लेकिन आप कुछ अगर टर्न करना है तो सेंटर लेन पे आइए फिर मुड़िए, यहाँ पर सेंटर लेन पे आइए फिर मुड़िए, यहाँ वालों को आने जाने दीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सेंटर लेन फॉर टर्निंग लेफ्ट। अब स्टॉप, ये तो खैर बिल्कुल क्लियर ही है, स्टॉप मतलब रुकना है आपको, इसका मतलब स्टॉप साइन है, बाकी सब चीज़ें भूल जाइए, इसका मतलब स्टॉप मतलब स्टॉप, रुकना है मतलब रुकना है। ये क्या मतलब है? आप अगर ये अगर आप साइन देखें तो अब आपको ये स्लो मूविंग व्हीकल बता रहा है, जैसे ये लगा होगा इसका मतलब आगे या तो रास्ता छोटा है या ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, जो भी सिचुएशन हो आगे गाड़ियाँ स्लो चल रही है, तो अगर आप स्पीड से आ रहे हैं तो अपनी स्पीड कंट्रोल करिए, कॉशियसली चलिए, क्योंकि ये यहाँ पर स्लो मूविंग व्हीकल है। अब आप देखिए ये सीधा एरो है, उसके ऊपर एक प्रोहिबिटरी साइन है यानी कि नो है, मतलब सीधे जाना नहीं नहीं है, इसका मतलब कि आपको अगर इंटरसेक्शन आगे आने वाला है तो आपको उससे स्ट्रेट नहीं जाना है, डू नॉट ड्राइव स्ट्रेट थ्रू द इंटरसेक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये आपको लेन बता रही है ना, इसका मतलब लेन, यहाँ पर एक बस भी है, यहाँ टैक्सी भी है, यहाँ कार भी है, यहाँ साइकिल भी है, और ये बताया गया है 7 से 9 बजे तक, 4 से 6 बजे तक मंडे टू फ्राइडे, यानी कि इन सब समय पे इन दिनों में ये चारों चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। कहने का मतलब अगर इसका उत्तर मैं आपको बताऊँ कि ये लेन रिजर्व है इन चार स्पेसिफिक व्हीकल के लिए, स्पेसिफिक टाइमिंग पे, स्पेसिफिक डेज पे। यहाँ दो पैसेंजर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब दो पैसेंजर से ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर जो लेन है उस पर साइकिल दिख रही है, तो ये जो लेन है ये साइकिल्स के लिए है, यानी मतलब ये लेन केवल और केवल साइकिल्स के लिए है। यहाँ पर आप जाएंगे आगे, लेकिन यहाँ पर दाएं पे एक टर्न है, कहने का मतलब यहाँ पर एक रोड ब्रांच हो रही है, तो अगर आगे जा रहे हैं तो दाएं की तरफ भी मुड़ सकते हैं, ब्रांच हो रही है। यहाँ लिखा है नो पासिंग हेयर टू क्रॉसिंग, यहाँ से लेकर क्रॉसिंग तक, मतलब अगर आप इस जगह पे हैं और आगे क्रॉसिंग है, यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए आपके आगे गाड़ी है तो आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है, जो चीज़ लिखी है वही यहाँ पर है, कोई भी व्हीकल पास नहीं करेगा इस साइन से 30 मीटर की दूरी तक। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर हैं अभी, है ना, और आगे डिवाइडर आ रहा है, तो डिवाइडर आ रहा है तो टकरा मत जाइए, राइट की तरफ हो जाइए। इसका सीधा मतलब यही है कि डिवाइडेड हाईवे आगे की तरफ आ रहा है
तो आप थोड़ा दाएं की तरफ चलिए। ये हवाई जहाज का साइन है, इसका मतलब ये जो रास्ता जा रहा है ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो सी है इसका उत्तर। यहाँ पर देखिए एक डॉट 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 लाइन है, इधर भी आपका ट्रैफिक जा रहा है, इधर भी ट्रैफिक जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपको शेयर करना है रोड ऑनकमिंग ट्रैफिक से, ये रोड शेयरिंग है ऑनकमिंग के लिए, इनके लिए भी इनके लिए भी। एच का सीधा मतलब है हॉस्पिटल, तो सीधा हॉस्पिटल कर देंगे। यहाँ पर देखिए पानी है, ब्रिज है, और ये ब्रिज ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसका मतलब ये जो ब्रिज है आगे जो आने वाला है ये उठ जाता है या स्विंग कर जाता है जब बोट नीचे से पास हो, बड़ी बोट पास होगी तो ये उठ जाता है। तो इसका उत्तर आपका इस तरीके से ए आएगा। ये तो खैर हॉस्पिटल था ही। ये एक साहब है जो किसी परेशानी से ग्रसित हैं और यहाँ पर वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। इसका साइन का सीधा मतलब होता है कि यहाँ पर व्हील चेयर या डिसेबल्ड पर्सन, अगर ये दोनों हैं और उनकी पार्किंग है ये उस जगह, इस जगह पे आप अपनी पार्किंग नहीं कर सकते। अब इसको देखिए, इसमें देखिए पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर ये एक लड़का लड़की देखें तो आप समझ जाएं कि ये स्कूल के बारे में बात हो रही है, मैक्सिमम स्पीड की बात हो रही है। देखिए स्कूल आवर्स भी यहाँ पर है, स्पीड लिमिट भी यहाँ पर है, किलोमीटर पर आवर, और वैन फ्लैशिंग, ये जब दोनों लाइट फ्लैश हो रही हो, यानी कि यहाँ फ्लैशिंग भी है, तो ये इसका उत्तर है। जब स्कूल आवर्स हो और लाइट फ्लैशिंग हो तो आपको ये स्पीड मैक्सिमम रखनी है, इससे ऊपर नहीं बढ़ेंगे आप। बी है इसका उत्तर। ये रोड है और यहाँ पर स्नो मोबाइल दिख रही है आपको, कहने का मतलब आगे सिर आगे ये स्नो मोबाइल यहाँ आएगी, कहने का तात्पर्य है कि ये स्नो मोबाइल यहाँ से क्रॉस करेगी आगे जाके, तो इसका उत्तर है स्नो मोबाइल क्रॉस दिस रोड। अब जैसे कोई ट्रक है उसने सामान लादा हुआ है तो उसको बताने के लिए कि देखिए साहब क्लियरेंस 3.9 मीटर है, उनके लिए है ये, इसका उत्तर है ये साइन शोज मैक्सिमम ट्रक क्लियरेंस हाइट, जो ट्रक की मैक्सिमम क्लियरेंस हाइट है वो बता रहा है, अगर इससे ज़्यादा है तो आप नहीं जा पाएंगे अंदर। ये एक पहाड़ है जिसपे आपको पत्थर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वॉच फॉर फॉलिंग रॉक्स, पत्थर आ रहे हैं, मतलब बहुत कॉशियसली चलिए, अगर आपको ज़रा से भी अंदाज़ा हो रहा है तो आपको या तो लेफ्ट, बहुत लेफ्ट में चलिए जहाँ तक हो सकता है, अदरवाइज बहुत कॉशियसली चलना पड़ेगा आपको। अब ये देखिए आप दाईं तरफ का आपको एरो दिया हुआ है और ये इसका मतलब क्या है, चेकर्ड वाला साइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ तो कॉशन लीजिए, राइट का मतलब शार्प टर्न है, और ये जो दिख रहा है ना इसका मतलब आपका है कि शार्प टर्न है और कॉशन, बहुत कॉशियसली आपका दाएं बढ़ना है क्योंकि एकदम से कोई भी आ सकता है। ये रेड सर्कल मैंने आपको जैसे बताया था, ग्रीन सर्कल मतलब होता है परमिसिव, और ये रेड क्रॉस अगर लगा है इसका मतलब है ये प्रोहिबिटेड साइन है। अब प्रोहिबिटेड साइन अगर एक आदमी के चेहरे पे या उसके आकृति पे, फोटो पे लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए ना? ये पैदल चल रहे हैं साहब, तो नो पेडेस्ट्रियन अलाउड, बी है इसका उत्तर, नो पेडेस्ट्रियंस अलाउड। तो ये हमने साइंस देखे कुछ, और बहुत हद तक इन्हीं में से आ जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि जो साइन दिया है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कहने का मतलब वो साइन आप उसको देख के बता सकते हैं कि क्या चीज़ इसका उत्तर होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी के लिए, ऑल द बेस्ट।